Hey guys, welcome back to Mr. Vyas। और आज के इस वीडियो में आपका एक कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पुराने Amazon Affiliate की जो सीरीज थी उस पर बहुत सारे कमेंट आए कि हमें गेट AWP का प्लगइन यूज करना चाहिए या फिर WooZone का प्लगइन यूज करना चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों का एडवांटेज क्या है, कौन सा प्लगइन किस पर्पज से यूज किया जाता है, किस साइट की साइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो कौन से टाइप के प्लगइन को आपको यूज करना है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको ये प्लगइन बाय करना चाहते तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपनी चॉइस के हिसाब से बाय कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एज यूजुअल बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस अभी तक आपने देखे नहीं, तो बहुत सारे वीडियोस को देखिए, फिर वापस चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको देता हूं बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट डाल के अपने व्यूज देना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। एनीवेज गाइज, सबसे पहले बात करते हैं, हमारी जो वेबसाइट्स होती है वो दो टाइप की होती है, मैं आपको बहुत बार बता रहा हूं, राइट। जहां पर एक वेबसाइट होती है जहां पे हम ब्लॉग की तरह कंटेंट लिखते हैं, जहां पे हमारा बहुत सारा कंटेंट होता है, राइट। और दूसरी वेबसाइट्स होती है जो लोग बनाते हैं, जो एक ई कॉमर्स स्टोर की तरह होती है, राइट, जहां पे प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रोडक्ट के साथ में माइनर डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि आपने अमेजोन की साइट देखी हुई है, राइट, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, प्रोडक्ट की इमेजेस होती है और वहां पे एड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, राइट। तो इस तरीके की दो वेबसाइट्स के पैरामीटर होते हैं, या तो आप ब्लॉग लिख करके अर्निंग करें या फिर आप इस तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं यहां पर जो दोनों प्लगइन है उसका यूज कहां पे आता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना होगा, और गाइज आपको पता है हमने प्रीवियसली भी मैंने आपके बारे में डिस्कस किया था, और दैट वॉज ऑल अबाउट द शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से आप आपकी साइट को ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि अमेजोन की तरह। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप सीख सकते हैं। मैंने खुद ने शॉपिफाई का थ्रू स्टोर क्रिएट किया था बैक इन 2017 एंड आई मेड मनी एज वेल। ओके गाइज, तो इस तरीके से शॉपिफाई के हेल्प से आप एक ई कॉमर्स का स्टोर बना सकते हैं, और वो जो ई कॉमर्स के स्टोर पे आप दूसरे किसी प्रोडक्ट को डाल करके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका होता है जहां पे आपको ज्यादा ज्यादा क्या मिलेगा, उस प्रोडक्ट की सेलिंग पे जो मार्जिन होता है वो आपका अर्निंग होता है। लेकिन आपको पता है शॉपिफाई एक मंथली सर्विसेज है, जहां पे आपको पर मंथ का ऑन एन एवरेज कहीं $40 के समवॉट बेसिक प्लान के अंदर देना पड़ता है, और उसका फ्री वर्जन कहीं ना कहीं आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल देता है, जो आपको डेफिनेटली मतलब 2-3 हजार रुपए हर महीने खर्च करने होंगे। बट वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप रियल में ई कॉमर्स स्टोर चालू करना चाहते हैं, जहां पे आप प्रोडक्ट को सेल करके उसके बीच का कॉस्ट और जो सेलिंग प्राइस है उसके बीच का कमीशन निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यही ई कॉमर्स स्टोर अगर वर्डप्रेस के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गाइज हमारे पास ऑप्शन आता है, एंड दैट इज यूजिंग द WooCommerce। जी हाँ, WooCommerce ये शॉपिफाई का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको आप वर्डप्रेस पे इस प्लगइन को यूज करते हैं, आपकी साइट को आप डेकोरेट कर सकते हैं एज ए शॉपिंग साइट अमेजोन की साइट की तरफ, राइट। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है अगर आप एज ए वर्डप्रेस में ई कॉमर्स की साइट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्लगइन यूज करना होगा WooCommerce। यहां पे मैं WooCommerce की बात कर रहा हूं, WooZone प्लगइन की बात नहीं कर रहा हूं, ओके, WooCommerce की बात कर रहा हूं। तो यूजिंग दैट WooCommerce प्लगइन, उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं उसको यूज करके आपकी साइट को आप Amazon की तरह कस्टमाइज करके आपके प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन हमने बात की थी Amazon Affiliate को लेकर के, राइट, कि Amazon Affiliate जो होता है उसके थ्रू अगर आपको अर्निंग करना है, तो यहां पे भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, एक ब्लॉग बनाइए और ब्लॉग के सेंटर के अंदर आप रेफरल लिंक दे दीजिए किसी प्रोडक्ट की जो Amazon के है, तो Amazon से लिंक उठाइए, आपकी साइट के अंदर डालिए, आपका अकाउंट क्रिएट करके पूरी Amazon की प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, तो वो लिंक उठा करके आपकी पोस्ट के अंदर लिंक कर दीजिए। जब भी बंदा उस लिंक को क्लिक करके Amazon पे जाके कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है, तो गाइज उस केस के अंदर आपको कमीशन क्रिएट होता है। यहां पर एक डाउट आपको और क्लियर कर दूं, जिस हर एक कंट्री का अपना अपना एफिलिएट अकाउंट होता है, अगर आपका इंडियन एफिलिएट अकाउंट है, आपने वहां जाके रजिस्टर किया है, वहां से प्रोडक्ट उठा करके उसकी जो लिंक है अगर उसने आपके आपके पोस्ट के अंदर डाला है, और इंडियन बंदा जब आपके उस चीज पे क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली Amazon इंडिया पे जाता है और वहां से प्रोडक्ट बाय करता है, तो उसका कमीशन मिलता है। एक आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। लेकिन उसी लिंक पे अगर US का बंदा क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली वो Amazon.in पे नहीं जाएगा, वो ऑटो रीराउट होकर Amazon.com पे जाएगा, और Amazon.com पे जाकर अगर उसने कुछ बाय किया तो आपको कमीशन जनरेट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वो लिंक वो ग्लोबलाइज हो जाए, कि कोई भी दुनिया का कोई भी बंदा कहीं से भी उस लिंक को क्लिक करे मुझे कमीशन आना चाहिए, राइट। तो उसका तरीका होता है, जो दो तरीके हैं, या तो हम यहां पे WooZone का प्लगइन यूज करें या फिर यूज करें गेट AWP। सबसे पहले बात कर देता हूं गेट AWP, उसको लेकर के डिटेल दो वीडियो बना के रखे हैं, व्हाट इज गेट AWP और कैसा उसका सेटअप करना है, आई बटन के अंदर लिंक है, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से जाके सीख सकते हैं। इस प्लगइन का एडवांटेज क्या है, ये आप
अगर आप सिर्फ एक ब्लॉग की तरह वेबसाइट बना रखी है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग की तरह वेबसाइट बना रखी है, और ब्लॉग मतलब कंटेंट है, कंटेंट के बीच में लिंक डालना है जो ग्लोबलाइज हो सके, साथ ही साथ जो अमेजन के जो प्रोडक्ट्स है उसको आपको पुल करके आपकी साइट पे एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, या फिर सिर्फ एक एक, एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखाना है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गेट AWP के प्लगइन। लेकिन गेट AWP के प्लगइन को काम करने के लिए आपकी API की होना जरूरी है। ये API की मिलती है आपको अमेजन के अकाउंट से, अमेजन एफिलिएट के अकाउंट से, और वो API की मिलती है अगर आपने 6 महीने के अंदर कम से कम 3 सेल जनरेट किए हैं। तो अगर आपके पास API की नहीं है तो ऑब्वियसली आप वो चीज यूज नहीं कर पाएंगे गेट AWP। तो आप पहले कुछ कुछ प्रमोट करके आपके प्रोडक्ट को सेल करके 3 प्रोडक्ट सेल जनरेट कीजिए, आपका API की एक्टिव हो जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपसे क्या हो गया, अगर आपके ब्लॉग की तरफ वेबसाइट है तो आपको डेफिनेटली यूज करना है गेट AWP का प्लगइन, इसके अलावा आपको कोई यूज नहीं करना है। अभी बात करते हैं कि अगर आपकी साइट को आपको ई कॉमर्स स्टोर में चेंज करना है, अमेजोन की तरह दिखाना है, राइट, और उस केस के अंदर आपके पास API की भी नहीं है, तो जहां तक मुझे आइडिया है जोन का प्लगइन के अंदर आई थिंक ऑटो जनरेट API की जनरेट होता है, राइट। उस API की के हेल्प से आपको क्या करना है, बेसिकली वूजोन अपना एक खुद का प्लगइन आता है जिसकी कॉस्टिंग अराउंड $50 होती है और उतनी ही गेट AWP की होती है। लेकिन ई कॉमर्स स्टोर यूज बनाना है आपकी साइट को, जहां पे कैसा हो सकता है कोई बंदा किसी पे क्लिक करे, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखे, उस प्रोडक्ट को क्लिक करते ही वो एड टू कार्ट के अंदर जाए और वहां से प्रोडक्ट को बाय कर सके, पहला केस। दूसरा केस हो सकता है कि आपके केस के अंदर आप खुद के प्रोडक्ट नहीं है, आप चाहते हो कि मैं अमेजोन के प्रोडक्ट से अमेजोन पे ही ट्रैफिक ड्राइव करूं, तो ये भी पॉसिबल है। आपको क्या करना होगा, वूजोन का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर एक API की जनरेशन का ऑप्शन आएगा, जैसे आप API की जनरेट करते हैं तो ऊपर एक ऑप्शन आएगा कि आपको वूजोन का एक्सटेंशन आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर डालना है। जैसे Shopify के अंदर मैंने बताया था, Shopify के वेबसाइट के अंदर हम ओबरलो के नाम से एक एक्सटेंशन आता है जिससे हम AliExpress जैसे साइट से प्रोडक्ट उठा करके Shopify पर डाल देते थे, राइट, एक सिंगल क्लिक से। सिमिलरली ये जो वूजोन है यहाँ पे भी यही फंडा है, बेसिकली आपको क्या करना है, उसका जो एक्सटेंशन आता है आपके क्रोम के अंदर डालना है, और इसके बाद आप अमेजोन की साइट पे जाए तो अभी जो जो भी प्रोडक्ट आएंगे तो उसके ऊपर एक इमेज आएगा यू वांट टू ऐड, एक तरीके से वो एक्सटेंशन का आएगा, जैसे उसको क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट आपके वर्डप्रेस के वूजोन, राइट, वूजोन के अंदर आ जाएगा और उसके थ्रू आप उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं आपकी साइट पे। जी गाइस, तो यहाँ पे आपको ज्यादा API की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी यहाँ पे कैसा होगा कि जो प्रोडक्ट आपकी साइट पे है, राइट, अब की बार आपको क्या करना है, यूजर को नहीं बोलना है कि ऐड टू कार्ट करें, क्योंकि ये तो अमेजोन का प्रोडक्ट है, राइट। आप क्या चाहते हैं, मेरी साइट पे जैसे ही बंदा वहां पे आए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करे ऑटोमेटिकली वो अमेजोन पे चला जाए, तो ये टाइप का कॉन्फ़िगरेशन भी आप उसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर मेरा कंक्लूजन ये है, अगर आप एक साइट बनाना चाहते हैं जो कि एक ई कॉमर्स की तरह साइट है जहां पर आप प्रोडक्ट को बाय सेल कर सकते हैं सिंपली डिस्प्ले करके प्रोडक्ट को, और आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं ब्लॉग टाइप का कुछ तो आप जाइए वूजोन के साथ में। लेकिन अगर आप ब्लॉग की तरह लिखना चाहते हैं और ब्लॉग के अंदर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो गाइस आप जाइए क्या बोलते हैं गेट AWP की तरफ, पहला केस। दूसरा केस गाइस यहां पर बात आती है, अगर आप ब्लॉग की तरह कंटेंट लिखते हैं तो गूगल आपके चीजों को ऑर्गेनिकली रैंक करता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ ए ब्लॉग, राइट। आपने एक ब्लॉग लिखा तो जैसे ही ब्लॉग रैंक होगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर ट्रैफिक आएगा, अर्निंग का मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर पूरा प्रूफ दिखाया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द गेट AWP प्लगइन। तो आपका कंटेंट रैंक होगा, कंटेंट रैंक होगा, कंटेंट के बीच के अंदर लिंक्स है तो वहां से आपको ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक से आपको अर्निंग होगा। लेकिन वूजोन और वूकॉमर्स टाइप के अगर वेबसाइट्स बनाते हैं तो कंटेंट बहुत ही 10% रैंक होता है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अमेजोन की चीजें है उसको उठा करके आपके साइट पर डाल रहे हैं, एज इट इज सब कुछ है, कंटेंट नाम की चीज नहीं, एक तरीके से शॉपिंग स्टोर है, तो आपको सेल्फ प्रमोशन करना होता है। और मैं नहीं बोलता हूं कि कुछ रैंक नहीं करता, 10% रैंक होता है ऑर्गेनिकली, बाकी कुछ नहीं होता है। और इस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपकी साइट पर सारे प्रोडक्ट्स आ गए, अब उस प्रोडक्ट्स को आपको मैन्युअली प्रमोट करना होगा, कैसे, जैसे फेसबुक मार्केटिंग करो, बिंग एड चलाओ, गूगल एडवर्ड की एड चलाओ, तो इस तरीके से आपको उसका प्रमोशन करना होगा फेसबुक मार्केटिंग और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ में, एंड देन आफ्टर यू विल बी एबल टू मेक अ सेल। सो आई होप कि गाइस यहां पे आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आप ब्लॉग की तरफ वेबसाइट है तो गेट AWP की तरफ जाइए, जैसा कि मेरे soundproofidea.com की साइट है लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और अगर आपकी ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजोन की तरह बनाना चाहते हैं, आपकी साइट जहां से क्लिक करके कोई बंदा अमेजोन पर चला जाए तो उस केस के अंदर आपको डेफिनेटली ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा, तो आप जा सकते हैं वूजोन के साथ में। तो आई होप गाइस यहां पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई डाउट लगे आप कमेंट करके बताइए, इन दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।